हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेके एसएसबी ऑनलाइन ट्यूटोरियल। फ्रेंड्स, आज हम करेंगे टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क करने से पहले मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। फ्रेंड्स, आपने टीवी में कोई एड देखी होगी एमडीएच, एमडीएच यानी कि एमडीएच मसाले। तो फ्रेंड्स, आज हम मसालों से करेंगे आपका टाइम एंड वर्क की टाइपस। फ्रेंड्स, एमडीएच हमें पता है, एमडीएच मसाले हैं, लेकिन एमडीएच की हमें फुल फॉर्म नहीं पता क्या है। सही में एमडीएच ही है आपका टाइम एंड वर्क। एमडीएच यानी कि मैन डेज हावर। तो फ्रेंड्स, आपने एमडीएच के साथ, मसालों के साथ अपने से कुछ ऐड करना है, वो है डब्ल्यू। तो सेम एमडीएच यानी कि एम वन डी वन एच वन डब्ल्यू वन, सेम मसाले बराबर होंगे मसाले के ही। तो सेम एम टू डी टू एच टू अपॉन डब्ल्यू टू। बेयर फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताता हूं कि एमडीएच हम मसालों की जो एड देखते हैं, सिर्फ एड देखते हैं या मसाले देखते हैं, हमें ये नहीं पता एमडीएच है क्या। सही में एमडीएच ही है। एम है आपका मैन, वुमेन, बॉयज या गर्ल्स। सेम डी है आपके डेज। सेम फ्रेंड एच है हावर और डब्ल्यू है आपका वर्क। जी हाँ, एमडीएच ही है आपका टाइम एंड वर्क। फ्रेंड्स, एमडीएच मसालों से आपकी एक पूरी टाइप निकल जाएगी। तो चलिए हम टाइप फर्स्ट पे चलते हैं। टाइप फर्स्ट पे जाने से पहले मैं आपसे पूछूंगा कि अगर कोई आदमी अपना काम, पूरा काम 20 दिन में खत्म करता है तो उसका एक दिन का काम कितना होगा। तो फ्रेंड्स, अगर कोई मैन अपना काम 20 डेज में पूरा कंप्लीट कर देता है तो उसका एक दिन का काम होगा 1/20। या फिर फ्रेंड्स, कोई आपसे पूछे कि अगर कोई आदमी, किसी आदमी का एक दिन का काम है 1/30, तो वह वो काम कितने दिन में खत्म करेगा, तो आपने सीधा बोल देना 30 डेज में। चलिए फ्रेंड्स, टाइप फर्स्ट पे चलते हैं, कुछ एग्जाम्पलें करते हैं एमडीएच मसालों के साथ। फ्रेंड्स, 10 men can complete a piece of work in 12 days. In how many days 18 men can complete the same work? कहते हैं कि 10 आदमी अपना काम 12 दिन में खत्म करते हैं। सेम अगर 10 की जगह 18 men हो जाएंगे तो सेम वर्क कितने दिन में खत्म होगा। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, एम डी एच अपॉन डब्ल्यू में आपने वही चीज लेनी है जो आपको गिवन दी है, यानी कि आपको मैन दिया है, डेज दिए हैं, यानी कि एम वन और डी वन दिया है, नेक्स्ट में एम टू दिया है और डी टू आपने निकालना है। तो फ्रेंड्स, एम वन है आपके पास 10, डी वन है 12, एम टू दिया है 18 और डी टू आपने निकालना है। तो फ्रेंड्स, डी टू आप निकालोगे तो 10 इंटू 12, ये 18 नीचे आ जाएगा तो ये कट जाएगा सीधा 6 के टेबल से। 6 टू जो 12, 6 थ्री जो 18, तो 10 इंटू 2 20, 20/3 डी टू। तो डी टू आपका आ गया फ्रेंड्स 20/3, और फ्रैक्शन में करेंगे तो इसे हम लिखेंगे 3 6 2/3, 6 3 18 और 20/3 डेज। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फ्रेंड्स, इसमें देखिए 16 मैन कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज, यानी कि मैन और डेज एम वन डी वन दिया है और इन हाउ मेनी मैन निकालने हैं जबकि डेज है 40, यानी कि एम टू और डी टू। तो जहां से एम वन डी वन आपका बन गया 16 × 10, एम टू आपने निकालना है, डी टू आपको दिया है 40। तो फ्रेंड्स, सीधा काट दो यहीं से, या फिर एम टू आपका आ जाएगा 16 × 10/40। तो 10 4 से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा 16, तो एम टू आपके बन गए 4 men। तो 4 men है आपका राइट आंसर। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फ्रेंड्स, इफ 10 men कंप्लीट हाफ वर्क इन 12 डेज, अगर 10 आदमी आधा काम करेंगे 12 दिन में जबकि वो काम करेंगे 8 hours per day,
रोज हर दिन 8 घंटे काम करेंगे, तो बताना इन हाउ मेनी डेज 18 मैन कंप्लीट फुल वर्क इन हाउ मेनी डेज, बताना है जबकि वो करेंगे 6 आवर पर डे। तो फ्रेंड्स आपको मैन दिया, वर्क दिया, डेज दिया और आवर, यानी कि पूरा का पूरा एमडीएच मसाला, एम बी एच अपॉन डब्ल्यू, तो 1 एम टू डी टू एच टू अपॉन डब्ल्यू टू। तो फ्रेंड्स एम वन आपका आ गया 10, डी वन आ गया 12, हावर आपके आगे 8 अपॉन हाफ वर्क, हाफ वर्क यानी कि आधा काम, आधा काम है तो 1/2 आ जाएगा। सेम फ्रेंड्स एम टू आ गया आपका 18, डी टू आपने निकालना है और हावर आपके आगे 6 और वर्क आ गया फुल, फुल वर्क यानी कि पूरा काम। तो फ्रेंड्स जहां से डी टू निकालेंगे तो 2 पर चला जाएगा, तो 2 इंटू 10 इंटू 12 इंटू 8, डी टू और 18 और 6 नीचे आ जाएगा 18 6। तो फ्रेंड्स 6 2 12, ये 2 और 9 से कटेगा तो आपका आंसर बन जाएगा 18 into 2 160/9। तो फ्रेंड्स डी टू आपका आ जाएगा 160/9 डेज। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फ्रेंड्स इसमें उसने दिया सम पर्सन कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज, 2 टाइम्स द नंबर ऑफ सच पर्सन विल डू हाफ वर्क इन हाउ मेनी डेज। तो फ्रेंड्स सम पर्सन अब हमें पता नहीं कितने हैं, तो हम लेट कर लेंगे सम पर्सन को X, तो यानी कि X कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज, X कोई काम 12 दिन में खत्म करता है, तो 2 टाइम्स द नंबर ऑफ, 2 टाइम X का 2 टाइम बन जाएगा 2X, ऑफ सच पर्सन विल डू हाफ वर्क इन हाउ मेनी डेज, यानी कि डी टू यहां से निकालना है और हाफ वर्क है 1/2। तो फ्रेंड्स X से X आपका कैंसिल, तो ये 2 पर चला जाएगा, तो 12 2 पर जाएगा तो 2 into 2 4, डी टू बन जाएगा। तो फ्रेंड्स जहां से आपका डी टू आ जाएगा 12/4 यानी कि 3 डेज। फ्रेंड्स 3 डेज है आपका आंसर। चलिए कुछ और एग्जांपल लेते हैं। फ्रेंड्स इसमें दिया है सर्टेन नंबर ऑफ मैन कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 60 डेज, अब नंबर ऑफ मैन शो नहीं किया है, हम लेट कर लेते हैं कि वो नंबर ऑफ मैन एक्स है, तो एक्स कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 60 डेज में करते हैं एक्स। इफ द नंबर ऑफ पर्सन, बोलता अगर नंबर ऑफ पर्सन इंक्रीज हो जाए 10 पर्सन और आ जाए, तो पहले एक्स है तो यानी कि एक्स प्लस 10 हो जाए, तो देन द नंबर ऑफ डेज रिड्यूस बाय 10, तो नंबर ऑफ डेज कम हो जाएंगे 10, तो यानी कि पहले 60 है तो नंबर ऑफ डेज कम होकर बन जाएंगे 50। तो फ्रेंड्स फाइंड द नंबर ऑफ मैन बताने हैं, यानी कि जो लेट किया हमने एक्स बताना है, तो जहां से बन जाएगा आपका 60 into x 60x, तो x की मल्टीप्लाई होगी 50x + 500, तो फ्रेंड्स 60x - 50x 500 के बराबर हो जाएगा, तो 60 में से 50 गए 10x बन जाएगा आपका 500, तो जहां से x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 500/10, तो जहां से x आपके बन गए 50 मैन। चलिए फ्रेंड्स अब हम नेक्स्ट टाइप पे जाएंगे टूगेदर। फ्रेंड्स इसमें ए और बी दो पर्सन है, ए अपना काम 10 दिन में पूरा करता है, सेम काम बी 15 दिन में पूरा करता है, तो इन हाउ मेनी डेज, बोलता ए और बी अगर दोनों एक साथ काम करेंगे तो कितने दिन में खत्म करेंगे। तो फ्रेंड्स अकॉर्डिंग टू फार्मूला पहले चलते हैं, फार्मूला है 1/2 इक्वल टू 1/A + 1/B, तो जहां से 1/2 बन जाएगा 1/A बन जाएगा आपका 10 + 1/B बन जाएगा आपका 20, तो 10 और 20 एलसीएम बन जाएगा, सॉरी फ्रेंड जहां पे 15 आएगा बी करता है 15 डेज में, तो जहां से 10 और 15 का एलसीएम बन जाएगा 30, यानी कि 3 प्लस
टू बन जाएगा, तो ये आपका बनेगा 5/31/2 वेदर 6, तो 1/6 बनेगा आपका 1/2 वेदर। लेकिन फ्रेंड्स हमने 2 वेदर निकालना है, 1/2 वेदर नहीं, तो यहां से 2 वेदर आपका निकल जाएगा 6/1 यानी कि 6 डेज। फ्रेंड्स ये तो था फार्मूला, लेकिन हम करेंगे ट्रिक से। ट्रिक देखिए, ए अपना काम 10 दिन में पूरा करता है और बी सेम काम 15 दिन में। फ्रेंड्स एलसीएम ही होगा टोटल काम। अब इन दोनों का एलसीएम होगा 30, यानी कि ए अगर अपना काम 10 दिन में पूरा करता है तो एक दिन का ए का काम होगा 3, तो बी 15 में पूरा करता है तो बी का एक दिन का काम होगा 2, तो इन दोनों का मिलकर 5 काम होगा एक दिन का। अगर ये एक दिन में 5 काम करते हैं दोनों, काम पूरा है 30, तो कितने दिन में खत्म करेंगे, तो 30/5 आ जाएगा, 6 डेज में पूरा खत्म कर देंगे। तो फ्रेंड्स ट्रिक से ही करिए, ट्रिक से आपके मैक्सिमम क्वेश्चन एक ही ट्रिक से निकल जाएंगे। अकॉर्डिंग टू फार्मूला चलना हो तो हर क्वेश्चन के लिए आपको डिफरेंट फार्मूला लर्न करना पड़ेगा, इसके लिए कोई जरूरत नहीं है कोई फार्मूला याद करने की। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फ्रेंड्स ए एंड बी किसी काम को पूरा करते हैं 4 दिन में, यानी कि ए प्लस बी अगर दोनों करेंगे तो 4 दिन में काम खत्म होगा। इफ ए अलोन कैन कम्प्लीट द सेम वर्क, अकेला ए इसी काम को करेगा 12 डेज में। तो फ्रेंड्स मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में बताया है कि एलसीएम ही होगा टोटल काम, तो इनका एलसीएम बन जाएगा 12। अगर ए प्लस बी 4 दिन में काम खत्म करते हैं तो काम है 12, तो यानी कि एक दिन का इनका काम रहेगा 3, 4 3 12। सेम ए 12 काम को 12 दिन लगाता है, यानी कि रोज का एक ही काम करता है, तो जहां से बी निकल जाएगा आपका 3-1 2। अगर ए प्लस बी 3 काम करते हैं उनमें से ए एक काम करता है, तो यानी कि बी 2 करेगा, तो फ्रेंड्स टोटल काम है 12। एलसीएम ही होगा टोटल काम है 12, तो बी करेगा, बी एक दिन में 2 काम करता है तो टोटल काम है 12, तो यानी कि 6 डेज में बी सेम काम खत्म कर देगा। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फ्रेंड्स ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 5 डेज, ए किसी काम को 5 दिन में खत्म करता है, सेम बी 6 डेज और सी 12 डेज। फ्रेंड्स मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि एलसीएम ही होगा टोटल काम, तो इन तीनों का एलसीएम होगा 60। अगर ये 5 दिन में 60 काम करता है, यानी कि एक दिन में 12 काम करेगा, ये 10 काम करेगा और ये 5, तीनों मिलके 27 काम करेंगे। काम टोटल है फ्रेंड्स 60, तो 60/27, तो 9 से कटेगा और ये 20 से कटेगा, तो फ्रेंड्स आपका आंसर आ जाएगा 20/9। अगर आप फ्रैक्शन में लिखोगे तो ये बन जाएगा 2/9 डेज। चलिए फ्रेंड्स कोई और एग्जांपल लेते हैं। फ्रेंड्स ए एंड बी कैन फिनिश ए पीस ऑफ वर्क इन 30 डेज, सेम बी एंड सी इन 40 डेज, सी एंड ए इन 60 डेज। तो फ्रेंड्स अगर ये सभी एक साथ मिलकर काम करेंगे टूगेदर तो कितने दिनों में करेंगे, तो फ्रेंड्स ए प्लस बी किसी काम को 30 डेज में पूरा करते हैं, बी प्लस सी 40, सी प्लस ए 60। तो फ्रेंड्स एलसीएम ही होगा टोटल काम, तो एलसीएम इसका बन जाएगा 120, तो ये बन जाएगा 4 काम करते हैं एक दिन में, ये 3 और ये 2, तो फ्रेंड्स सभी मिलकर 9 काम करते हैं एक दिन में, लेकिन 2 टाइम बनेंगे ये। तो फ्रेंड्स जहां से ए प्लस बी प्लस सी बन जाएगा आपका 9/2 यानी कि 4.5, तीनों मिलके 4.5
डे में पूरा करते हैं। काम है पूरा 120, तो फ्रेंड्स 120 डिवाइड बाय 4.5, यानी कि 4.5 को अगर हम तोड़ेंगे तो डिवाइड बाय 10 आएगा, 10 ऊपर जाएगा तो 1200 डिवाइड बाय 45 बन जाएगा। तो फ्रेंड्स 3 × 15 45 बन जाएगा और 80 × 15 बन जाएगा आपका 1200। तो फ्रेंड्स आपका आंसर आएगा 80/3 days। चलिए फ्रेंड्स और क्वेश्चन कर लेते हैं इसका।